हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और बताइए बढ़िया से आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो बहुत मस्त जा रहा होगा, है कि नहीं है। चलो आज हम लोग जो है कि कुछ कारणवश जो है फिजिक्स का वीडियो दो दिन नहीं आया था यार, कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो आज हम लोग जो है कि फिर से प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। तो आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, और जहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग ख़त्म किए थे, मतलब उससे आगे बढ़ने वाले हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपका आज इन्वॉल्व होगा पूरे वीडियो में, तो बिल्कुल बिंदास टाइप का देखना है। तो फिर से क्या करना है, जो करते हो कॉपी कलम लेकर के बैठो, कान में हेडफोन लगाओ और इत्मीनान से पूरा वीडियो देखो, समझो। चलिए हम शुरू करते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि पिछले क्लास में याद कीजिएगा आप लोग, तो फील्ड ऑफ व्यूज पढ़ाए थे, है ना कि नहीं। तो पहले उस पर एक हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर फर्दर उसमें और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यूज का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि अ मैन वॉकिंग अलोंग अ रोड, ठीक है, एज शोन इन फिगर, शोन इन फिगर। चलो भाई एक फिगर में दिखा दिया गया है क्या, तो बोल रहा है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, अप टू विच मैन कैन सी दियर इमेज इन मिरर। समझना ध्यान से, है ना। एक मैन है जो वॉक कर रहा है क्या, अलोंग द रोड। तो देखो बाबू, ये मान लो कि एक मिरर है, चलो यहां देखते हैं, एक ये मिरर है और मिरर की लेंथ दी हुई है। मिरर की लेंथ कितनी दी हुई बाबू, तो मिरर की लेंथ दी हुई है एल, है ना। अब क्या है कि यहां से एक रोड है, ये रोड है। अब इस यहां से अगर इसकी डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस जो है हमारा 2D है, है ना। और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं ना, यही ऑब्जर्वर जो है ना कि मैन आपका ट्रेवल कर रहा है किधर, अलोंग द रोड, यानी कि ऐसे या फिर ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो बोल रहा है क्या कि इस रोड पे कितना दूर तक ये मैन अपना इमेज इस मिरर में देखेगा। मतलब क्या हुआ बताओ मेरे को, सिंपल सी बात है, जितना दूर तक इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में फील्ड ऑफ व्यू होगा रोड पे, उतना ही दूर तक रोड पे अपना इमेज देख पाएगा। जैसे ही इसका रोड पे जो लोकेशन जो है इस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो जाएगा तो ये अपना इमेज नहीं देखेगा। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली क्या कर रहा है बोल, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट का रोड पे फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ पूछ रहा है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बताया था बताओ मेरे को, तो क्या बोले थे कि भाई इस पॉइंट से दोनों एंड को देख लो। तो यहाँ से आया रे, ऐसे आया कि नहीं आया, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन ऐसे हम लोग यहाँ से इधर आया आई पे, कितना ही एंगल पे इधर चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को। चलो इसको थोड़ा सा रोड को बढ़ा दो, है ना, और इस पॉइंट को दे दो तुम नाम ए, ठीक है। सिमिलरली अब ऊपर का हमें फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, तो यहाँ से कौन सा इस एंड पे जाएंगे, तो इस एंड पे गए और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यानी यहाँ पे अगर नॉर्मल डालोगे तो ये एंगल है, रिफ्लेक्ट होकर किधर आएगा, इधर आएगा, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं तुम्हारा कि जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये डी है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा भाई बताओ मेरे को, 2D इन टोटल ना, तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये सबसे पहली बात है, इमेज कहाँ बनेगा। तो तुमको पता है इसका इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट इसके पीछे पीछे बना दीजिए इमेज, कितना डिस्टेंस पे, तो डी पे बनेगा। कैसे बना होगा, तो इमेज किसी का कब बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करता है। तो पहला रिफ्लेक्टेड रे कौन सा, ये ऐसे गया मिरर पे, इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा ये इंसिडेंट हुआ मिरर पे, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला दूसरा है। तो ये ए है एक, तो दूसरा क्या नाम क्या दे देते हैं बताओ मेरे को, बी दे देते हैं। तो दोनों को अगर देखा जाए तो ये इधर आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ये ऊपर जा रहा है, कभी मिलेगा नहीं ना, तो इसका इमेज पीछे बनेगा। तो यहाँ पे इसका इमेज बना दो, यहाँ बन गया इमेज, ये इमेज बन गया। अब एक काम कर यार तू, क्या फंडा क्या निकालना है, फाइंड करना है क्या, लेंथ किसका, रोड का, यानी कहाँ से कहाँ तक, ए बी का। तो ए से बी तक का ही सिर्फ दिखाई देगा इस पर, यही हमारा क्या है, यही रोड है,
तो भाई यहाँ से लेंथ यहाँ तक की लेंथ को मान लेते हैं कुछ, क्या मान लिए, L है ना। अब देखो अगर ये B है, ये A है, और अगर इसको मैं दे दूँ कुछ पॉइंट दे देता हूँ ना, ये O है ना, इसको ले लो M, और इसको ले लो M डैश। यहाँ पे इमेज बना है कितना, I, इसका भी नाम कुछ दे दो, इसका नाम दे देते हैं हम लोग कितना, P है ना, और इसका दे देते हैं कितना, ओ पी क्यू दे देते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है अपने मन से। तो क्या बताए थे कॉन्सेप्ट, याद है प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, ए बी का हमें लेंथ निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या कॉन्सेप्ट क्या था बताओ मेरे को, तो सिमिलर ट्राइंगल था, तो सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल यानी कैसे लिख देता हूँ ट्राइंगल। तो कौन कौन सा सिमिलर ट्राइंगल लोगे ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो देखो यार हमें गिवन क्या है, ये डिस्टेंस और ये लेंथ दिया हुआ है मिरर का कितना एल। तो अगर तुमसे मैं पूछूँ कि ये लेंथ बताओ मेरे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताओ मेरे को, क्या बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, एल बाई टू बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये लेंथ कितना बोलोगे, एल बाई टू बोलोगे ना, क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है एल है ना। अच्छा उससे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना बोलोगे, ये भी आप क्या बोलोगे, कैपिटल एल बाई टू, क्यों, क्योंकि यहाँ से टोटल लेंथ कितना है एल है। बहुत अच्छी बात है यार। तो सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन सा बताओ मेरे को, तो बी पी आई दिख रहा है तुमको, एंड दूसरा सिमिलर ट्राइंगल कौन सा लेंगे बताओ मेरे को, एम क्यू आई ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एम क्यू ओ, तुम्हारी मर्जी, एकदम फ्री होकर के कुछ भी ले सकता है, ठीक है। हम एम ओ एम क्यू आई ले लेते हैं, एम क्यू आई ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों में हम लोग सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस वाले में लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ से यहाँ तक लेंथ बताओ, एल बाई टू है ना, चलिए एल बाई टू और अपॉन यहाँ से यहाँ तक कितना है, थ्री डी है ना, देखो तो यहाँ से यहाँ डी, फिर ये डी और फिर ये भी डी है ना, इमेज कहाँ बनेगा, कितना पीछे, डी पे ना, तो भाई थ्री डी अपॉन थ्री डी इज इक्वल टू बताओ मेरे को आगे, इस ट्राइंगल में यानी ये वाला लेंथ, तो मिरर का लेंथ टोटल कितना है एल, कैप स्मॉल एल, ये कितना है स्मॉल एल बाई टू, ये हो गया स्मॉल एल अपॉन टू, और अपॉन ये वाले डिस्टेंस कितना भाई, तो डी ले लेंगे, सिंपल है, ये टू से टू गया, ये डी से ये डी गया, क्या बचा ऊपर एल, और अपॉन थ्री इज इक्वल टू स्मॉल एल। अब बताओ कैपिटल एल निकालना था ना लेंथ ऑफ रोड, तो थ्री इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसीलिए कैपिटल एल कितना थ्री एल ना, तो लेंथ ऑफ रोड कितना है बताओ मेरे को, थ्री एल, यानी कि थ्री एल लेंथ तक इसका इमेज इस प्लेन मिरर में बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा, क्लियर है। चलिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, पूरा मिरर में हम लोगों को ये वाला सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है बच्चे सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने का, अगर आपको सिमिलर ट्राइंगल्स अगर मिल जाता है तो आपका समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चंस आपने हिट कर दिया है, और अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो जैसा इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और काम भी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसा, तो आपको सिर्फ ज्योमेट्री बहुत अच्छे से बेसिक आना चाहिए ट्राइंगल का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं ना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन, यानी कि अब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मिरर मोशन में होगा, तो इमेज भी मोशन में होगा। अब हम लोग निकालने वाले हैं वेलोसिटी, किसका, ऑफ इमेज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना यार, है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, काम आएगा आगे भी, ऐसा तुमको मिलेगा, समझते हैं। तो क्या है कि सपोज करो कि ये कोई एक मिरर है, और मिरर जो है हमारा M और M डैश मान लेते हैं मिरर है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है O। तो अगर यहां से डिस्टेंस अगर ये X है, तो पीछे कितना बनेगा इसका इमेज, X पे बनेगा कि नहीं बनेगा इमेज। लेकिन अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं, अगर मैं रेफरेंस मान लूं किसको, मिरर को, तो सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, मिरर से मेजर करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट से किसी भी चीज को मेजर करते हैं उसी को रेफरेंस मानते हैं। तो इधर अगर आएंगे तो लेफ्ट आएंगे, इधर क्या आएंगे, राइट आएंगे, तो यानी कि एक नेगेटिव होगा दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छी बात है ना। अब एक काम कर सकते हो, इस ओ के पास अभी मैं फिलहाल दो वेलोसिटी मानता हूं, ठीक है, कितना, दो है ना। अब समझना, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं तुमसे
अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये अगर मिरर है, देखिए ये मिरर है, ठीक है ना। अब इस मिरर को मैं ऐसा रख दिया हूँ, आइए मैं यहाँ पर ऐसे अपना फोटो देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिरर की तरफ आ सकता है, मिरर के तरफ जा रहा है, यानी कि मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा है। दूसरा समझना, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा सकता है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा सकता है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो अगर ऊपर बात मैं बोलूँ तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मिरर के पैरेलल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये मिरर है और इसके पैरेलल चल रहे हैं। अगर नीचे आ रहे हैं तो भी पैरेलल आ रहे हैं, अगर इधर आ रहे हैं तो भी पैरेलल आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ 2D की बात कर लेते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि एक इधर मोशन हो सकता है, यानी कि मिरर के परपेंडिकुलर, और एक इधर हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो सोचो जरा कि यहाँ पे मैं अगर एक्सिस लूँ, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, देखना तुम, अगर इधर जाएगा तो एक्स घटेगा, तो ये इमेज किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, अगर ये वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन। और अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो इमेज भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बात, हाँ। और अब रेफरेंस यानी कि मिरर, मिरर रेस्ट में भी हो सकता है और मिरर का भी वेलोसिटी हो सकता है, समझ में आ रहा है बात। तो अभी फिलहाल हम लोग एक तो वो लेंगे जो कि मिरर के परपेंडिकुलर हो, कौन सा, एक्स कंपोनेंट, और दूसरा वो लेंगे जो मिरर के पैरेलल हो, कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। क्लियर है, तो चलते हैं पहले फोर एक्स कंपोनेंट। मतलब कहने का कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर है ना, इस मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ये इधर की तरफ होगा, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अभी हम दोनों के दोनों चीजें किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हम लोग मिरर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, समझ में आ रहा है बात को, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मिरर के, यानी कि मिरर को हम रेफरेंस मान रहे हैं। तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो इमेज किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। तो अगर ये राइट साइड में पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वही तो दिमाग लगा यहाँ पे। अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके वेलोसिटी को घटा देते हैं। तो अब यहाँ पे तो रेस्ट में भी हो सकता है मिरर, और मिरर मोशन में भी हो सकता है, तो हमें अभी पता नहीं है, तो हम लोग लेट ले लेते हैं। लेट वी एम क्या, एक्स इज वेलोसिटी किसका, ऑफ मिरर, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई में भी होगा। तो वेलोसिटी वी एम ले लिए, किस एक्स है ना, इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर है ना, किस में, इन एक्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हम अभी एक्स की बात कर रहे हैं। तब अब क्या लिख सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मिरर रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में है उसके वेलोसिटी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर इसके वेलोसिटी जीरो रहेगी तो जीरो लिखेंगे, नहीं लिख दिया रहेगा तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तू, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी ओ, ठीक है, माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई माइनस माइनस प्लस ऑफ वी एम। अब यहाँ पे करो क्या, सभी सभी किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में है। अब क्या करें, वी ओ यहाँ, ठीक है, वी एम को माइनस है ना, इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो वी नोट इधर और इधर आके वी आई हो जाएगा। तो वी नोट प्लस वी आई इज इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस पहले से और प्लस ये गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो वी एम और प्लस वी एम यानी टू वी एम हो गया। तो इसीलिए बोल सकता है तू कि वी नोट और अब प्लस वी आई
और बाय 2 इज इक्वल टू वी एम। ये किस डायरेक्शन में है बताओ मेरे को, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, क्या कि अगर कोई भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ले रहे हो मिरर के, तो v नोट प्लस वी आई बाई 2 किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर के बराबर होगा, ये याद रहेगा। अब हम चलते हैं y डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोग लेते हैं y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट था और अब कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग, y कंपोनेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब लिखते हैं हम लोग y कंपोनेंट, है ना, y कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू, बराबर है ना, अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर किस डायरेक्शन में, अब y डायरेक्शन में लेंगे दोनों का, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर किस डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन। क्यों, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको घटा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिख सकता तू, v नोट माइनस वी एम इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एम, ये दोनों गया बाबू, तो सिंपल सा वी ओ बराबर क्या हो जाएगा, वी आई किस डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा था तो इमेज भी ऊपर जा रहा था, तो दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, इसलिए कोई मतलब इफेक्ट नहीं हुआ किसका, वेलोसिटी ऑफ मिरर का। क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पे नहीं है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मिरर दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर वाई डायरेक्शन में हो या नहीं हो, इसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया दोस्त, हो गया ना क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमें रिलेशन निकल गया, वी नोट इज इक्वल टू वी आई इन वाई डायरेक्शन और वी एम इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी आई बाई 2 इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग दो तीन क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये दिमाग में जा करके एकदम नट बोल्ट से टाइट हो जाए, एकदम फिट हो जाए। ओके, तो चलो हम लोग इसका क्वेश्चंस करते हैं, चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चंस। चलो देखते हैं, अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं ना, मान लो एक मिरर है और अभी वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है ना जीरो है, यानी कि मिरर क्या चीज में है, रेस्ट में है, यानी कि कुछ नहीं है ना, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो पूछ रहा है क्या ये जो इमेज है ना वी आई इसकी वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, फॉर एक्स डायरेक्शन। क्यों लिए एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसमें वाई नहीं है। ओके, तो वी एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी नोट प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, बहुत अच्छी बात है, वी एम कितना है जीरो, जीरो इंटू मल्टीप्लाई कर दो 2 बराबर वी नोट प्लस वी आई, इसलिए वी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई। तो वी नोट दिया हुआ है ना इधर की तरफ, तो राइट साइड में है ना, तो वी नोट इज इक्वल कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी निकल गया, तो इसलिए वी आई कितना आ गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, आया कि नहीं आया। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था बच्चे, दाएं तरफ, तो राइट साइड का लोग पॉजिटिव लोग, इमेज किधर आ रहा है बाबू, लेफ्ट साइड, तो क्या होगा नेगेटिव, आ गया नेगेटिव, देखो यहाँ ध्यान से, आ गया कि नहीं आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है ना। चलो और देखते हैं, इसमें मज़ेदार है, एकदम छोटा छोटा चीज है लेकिन मज़ेदार है ना, सीखोगे है ना, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा है ना, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तब, यार फिजिक्स सीखना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं, अगर ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते हैं तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखो इसको, एक ऑब्जेक्ट है इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये मिरर है, ये मिरर इधर आ रहा है, यानी कि वी एम दिया हुआ है कितना 1 मीटर पर सेकेंड, तब यहाँ पर पूछ रहा है कि इमेज का वेलोसिटी बताओ, वी आई बताइए कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, वी नोट दिया हुआ है क्या, यस, राइट साइड में है ना, तो कितना लिखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, क्या वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है क्या, यस, किधर है, लेफ्ट साइड में, कितना 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखेंगे
-1 मीटर पर सेकेंड। क्यों लिखेंगे -1 मीटर पर सेकेंड? क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और अब हमें निकालना है वी आई, लगा दो फंडा। चूंकि यानी कि एक्स के डायरेक्शन में यानी कि मिरर के परपेंडिकुलर, लगा दो फंडा, वी एम इज इक्वल टू क्या होता था, वी नॉट प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू। आहा, वी एम कितना है -1, तो -1 इज इक्वल टू वी नॉट, सॉरी वी नॉट कितना है बाबू 3, तो 3 प्लस में वी आई डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करो तो -2 इज इक्वल टू 3 प्लस वी आई। ओ, इसको इधर लेके आओ, तो इसीलिए वी आई इज इक्वल टू -2 और -3, -2 -3 मतलब कितना -5 मीटर पर सेकेंड। बाबू कितना सा दौड़ेगा इमेज इतना लेफ्ट साइड में, बताओ जल्दी सा, 5 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ भी गई हो, आ जाना चाहिए, है ना मजेदार। अब देखना, देखो अगला बार वीडियो, है ना। अब क्या करते हैं, 2D में चलते हैं, मजेदार आने वाला है, ठीक है। चलो 2D में घुसते हैं, है आसान, बसरते बेसिक बच्चे अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। अगर बेसिक नहीं है बाबू क्लियर, तो दिक्कत तो आएगी। देखो जरा चलते हैं, मान लो कि ये जो है मेरा एक मिरर है, समझना, और ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बच्चे, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल पे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। और बच्चे ये इमेज भी अब हॉरिजॉन्टल में नहीं चल रहा है, इमेज इधर जा रहा है कितना से 5 मीटर पर सेकेंड से, कितना डिग्री पे बच्चे, तो 30 डिग्री पे। तो तुमको कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे यार पढ़े ना, एक्स और वाई में रिजोल्व कर देना है, बाकी छोड़ देंगे ना। तो मान लेंगे इधर कहीं इमेज होगा, अब इमेज का पता नहीं हमें, वी आई हमें क्या करना, निकालना, इसका भी दो कॉम्पोनेंट होगा वी आई और एक वी वाई, होगा कि नहीं होगा वी आई, ये भी होगा इन एक्स डायरेक्शन और इन, सॉरी एक्स में और ये वाई में, होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, इमेज के पास दो डायरेक्शन में क्यों होगा। तो मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, कि इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, अगर इसको मैं एक्स मानूं, इसको क्या मानूं वाई, तो रिजोल्व नहीं कर सकते, क्या लिख सकते उसको 10 cos 60, इधर क्या लिख सकते हो 10 sin 60। चलो लिखते हैं, वी नोट इन एक्स डायरेक्शन कितना, जल्दी बोल, राइट साइड में है ना, तो 10 cos 60 मतलब 10 × 1/2 कितना 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन यानी कि ये वाला 10 sin 60 मतलब 10 × √3/2 काट दो 5√3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन यानी कि मिरर रेस्ट में नहीं है, तो इसको भी रिजोल्व करो जी, इधर की तरफ कितना 5 cos 30 और ऊपर की तरफ 5 sin 30। हाँ जी, तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन कितना, नेगेटिव ना, -5 cos 30 मतलब -5 × √3/2 यानी कि -5√3/2 क्लियर है। और वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन कितना है 5 sin 30 5 × sin 30 यानी कि 5 × 1/2 कितना आ गया 5/2 क्लियर है। ये निकाल लिया, अब चल पहले एक्स के डायरेक्शन में चलते हैं, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में क्या बताया गया था, बता चली सा, वी वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या पढ़े थे वी नोट प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, याद है कि भूल गए। वी एम एक्स डायरेक्शन में कितना है -5√3/2 लिख -5√3/2 इज इक्वल टू वी नोट कितना है वी नोट एक्स के डायरेक्शन में है ना कितना 5 ना तो 5 प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 काट दे तो इधर क्या करेगा इसको इधर लेके आ इसको तो क्या इधर वी आई इज इक्वल टू -5√3 आइए भी इधर आके कितना -5 तो माइनस कॉमन ले ले तो 5 + 5√3 ये वी आई इन एक्स डायरेक्शन ठीक है किस डायरेक्शन में एक्स के डायरेक्शन में
और इन वाई डायरेक्शन क्या बताए थे, याद है ना? वाई डायरेक्शन में इमेज का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे क्या होता था, v नोट इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू vi इन y डायरेक्शन, इसलिए v वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन कितना है, डायरेक्ट बता दो आंसर, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन कितना है, 5√3 है ना, तो कितना हो गया 5√3 है ना। तो देखो इमेज का वेलोसिटी x में भी निकल गया और y में भी निकल गया, x में कितना आया इतना और y में कितना आया इतना, तो दोनों को आराम से वेक्टर के रूप में लिख सकते हो, और लिख सकते हो तो वैल्यू निकाल सकते हो, तो वही करने वाला हूँ मैं, इसको मिटाने वाला हूँ। और अब ये क्वेश्चंस में कुछ जान नहीं रहा है, बस मैं टाइम पास करने वाला हूँ। क्या देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इमेज यही है ना दोस्त, तो इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ समझाने के लिए, क्या है एक्स वाला वैल्यू क्या निगेटिव है ना, ये है वेलोसिटी इमेज का है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और वाई वाला क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, कहीं इधर होगा, किसका, वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख सकता है तू, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज को क्या लिख सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई, यहाँ पे लगा दो आई, यहाँ पे लगा दो जे, क्यों लगाए, क्योंकि एक्स वाले को आई बोलते हैं और वाई वाले को जे, वेक्टर के रूप में। तो भैया मेरे माइनस ऑफ 5 + 5√3 आई प्लस वी आई इन वाई डायरेक्शन 5√3 जे, ये हो गया वी आई का वेक्टर, क्लियर है, तो इसीलिए वी आई का मैग्नीट्यूड जो आया वो आया अंडर रूट 5 + 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते रहो घर पे, कोई टेंशन नहीं, अगर मुझे डायरेक्शन पूछे तो बता दो भैया एक्स से मान लेंगे एंगल कितना थीटा, और थीटा तो टाइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी कि वाई कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ इमेज, कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कितना है तो 5√3, एक्स कंपोनेंट कितना है तो माइनस ऑफ 5 + 5√3 है ना, यही हो गया टाइन थीटा का वैल्यू आंसर, आंसर क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया बात कि नहीं आया, देखो क्या था ये, अगर मैं देखूं तुमको तो ये बहुत ही सिंपल फंडा था और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, जो कि इजीली आपको समझ में आना चाहिए था, ओके। और अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि नीट और जेई में आता है, ठीक है, सीखने वाले हैं क्या, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय टू मिरर्स, इसको ध्यान से समझना, आसान है और समझने वाला है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय टू प्लेन मिरर, तो यार डिफ्लेक्शन का नाम सुना है ना तुम, नहीं सुना है क्या, हाँ पता है, अच्छा सिंपल क्या बताए थे बताओ, सिंपल फंडा क्या बताए थे, सर ये अगर प्लेन मिरर है सर, सर अगर यहाँ पे से एक, सर ये नॉर्मल अगर है, सर है ये ओ है, सर यहाँ से अगर इंसिडेंट रे इधर आया सर, ठीक है आया, अगर सर ये एंगल आई है तो जितना एंगल से आया सर उतना एंगल पे जाकर वापस चला जाएगा सर, यानी ये भी एंगल कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा आई, सर ये एक्चुअली में जा किधर रहा था, इधर, यानी जा रहा था ऐसे लेकिन गया कैसे, रिफ्लेक्शन के कारण तो ऐसे, तो डिफ्लेक्ट हुआ ना, यही हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, है कि नहीं है। तो फंडा क्या बोलता था, i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180, इसको इसको जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो ये 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। तो अगर किसी भी एक सिंगल मिरर का, अगर किसी मिरर के कारण हमें डिफ्लेक्शन निकालना हो तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल के आया था 180 माइनस 2i निकल के आया था, याद है तुम लोगों को, यही हम फंडा यूज करने वाले हैं किसके लिए, टू प्लेन मिरर के लिए, है ना, तो बहुत ही आसान है, देखते हैं, तो दो प्लेन मिरर हम लोग समझते हैं, तो
तो हम दो प्लेन मिरर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना। तो भाई एक ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, जिसका नाम दे दिए M1। क्लियर है? अच्छा, अब देखो आगे एक और प्लेन मिरर बनाएंगे, एक और प्लेन मिरर हम बना दिए, इसका नाम दे दिए M2। क्लियर है? क्लियर है बाबू, समझ में आ रही बात? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके बीच का एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा, है ना। अब देख, मान लो कि एक कोई रे है, तो रे आया ऐसे मिरर वन पे पड़ा। अब यहां पे नॉर्मल बना दो पहले, ये नॉर्मल बना गया, तो ये जो था इसका हम एंगल ऑफ इंसिडेंस था मान लेते हैं आई वन, तो जितना एंगल था उतना ही पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये चला गया। कितना पे चला गया? आई वन पे चला गया, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया किसके लिए? मिरर वन के लिए। लेकिन यही रे मिरर टू के लिए इंसिडेंट रे हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? मिरर टू पे डालेंगे नॉर्मल, तो डाल दो मिरर टू पे नॉर्मल। तो ये जो एंगल है ये आई टू हो गया, यानी कि इंसिडेंट एंगल किसके लिए? फॉर मिरर टू। तो जितना एंगल पे आया है ये, उतना एंगल पे क्या जगह फसला जाएगा, तो ये भी हमारा आई टू ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि टोटल डिफ्लेक्शन हमें देखना है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर वन प्लस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर टू, तो देखते हैं। तो मिरर वन क्या है, ये है ना, तो मिरर वन अगर नहीं होता तो इधर जाता रहे, लेकिन किधर गया? इधर गया ना, तो यही डिफ्लेक्शन है, यही है डेल्टा वन, है कि नहीं है। लेकिन डेल्टा वन जो है दोस्त, देखो तो ऐसे आ रहा था, ऐसे गया था, क्लॉक वाइज है कि नहीं है? क्लॉक वाइज है ना, ये क्लॉक वाइज है। अब ये गया मिरर टू पे ऐसे गया, लेकिन ऐसे जाने के बजाय सीधे निकलना चाहिए था, इसको इधर निकलना चाहिए था, लेकिन किधर निकला? ऐसे गया और ऐसे घूम गया, तो यानी ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये डेल्टा टू हो गया। तो ये भी कैसे हुआ, देखो टू घूम गया, क्लॉक वाइज है ना, तो क्लॉक वाइज, ओके। अरे क्या हुआ, दोनों को दोनों क्लॉक वाइज, डेल्टा वन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर वन, डेल्टा टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर टू। तो सर टोटल डिफ्लेक्शन बताइए क्लॉक वाइज में, तो नेट डिफ्लेक्शन लिखता हूं मैं, नेट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज कितना? तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, यही हो गया डेल्टा नेट। आसान है, आसान है, आसान है, कोई टेंशन नहीं भाई। डेल्टा वन यानी मिरर वन के लिए, तो 180 माइनस 2 इंटू आई, इंसिडेंट एंगल किसके लिए? मिरर वन वाला, तो 180 माइनस 2 आई वन प्लस डेल्टा टू के लिए 180 माइनस 2 आई टू, जोड़ दो 180 प्लस 180 360 माइनस माइनस कॉमन 2 आई वन प्लस आई टू, ये हो गया डेल्टा नेट। क्लियर है? आगे और कुछ तुम्हें कहानी चाहिए तो मिलेगा, है ना, बिल्कुल। आइए नए पुरानी कहानी सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। ये क्या है? क्लॉक वाइज है, दोनों डेल्टा वन को जोड़े हैं डेल्टा टू के साथ। अच्छा देखो ध्यान से तुम लोग, तो ये देखो, तो ये नॉर्मल है ना, ये और ये कितना डिग्री? 90 डिग्री, और 90 में ये कितना है? आई वन है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस आई वन हुआ कि नहीं हुआ? देखना 90 में से ये आई वन है ना, ये आई वन, तो ये भी आई वन, तो ये और ये, तो ये घट गया, तो ये कितना होता है? 90 माइनस आई वन। उसी तरीके से देख, ये भी नॉर्मल है कि नहीं दूसरा वाले मिरर पे? तो ये आई टू है, तो ये टोटल 90, तो ये कितना? 90 माइनस आई टू। तो अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको ओ बोलूँ, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी थीटा है प्लस 90 माइनस आई टू है प्लस 90 माइनस आई वन है, और सब जोड़ के कितना डिग्री है? 180 है। थीटा रहने दो, 90 प्लस 90 180 माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन आई वन प्लस आई टू बराबर 180, काट दो जी, तो थीटा इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो, तो आई वन प्लस आई टू, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है? आई वन प्लस आई टू ना, तो इसीलिए
डेल्टा नेट की वैल्यू बाबू 360 माइनस 2 इंटू थीटा हो गया, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो इन एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज निकालें तो टोटल 360 में से इसको घटा दो, तो इसीलिए 360 और माइनस कितना 360 और माइनस 2 थीटा, तो कितना आया बताओ मेरे को? तो 360 से 360 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया 2 थीटा। ये हो गया डेल्टा नेट बराबर 2 थीटा किस डायरेक्शन में? इन एंटी क्लॉक वाइज। तो देख टोटल क्लॉक वाइज डिफ्लेक्शन कितना आया 360 माइनस 2 थीटा, यानी अब आई वन आई टू से कोई मतलब नहीं रहा, सीधे किस पे फोकस करना है कि दो मिरर के बीच एंगल थीटा है और दोनों का डिफ्लेक्शन क्लॉक वाइज है। तो फंडा क्या आएगा अगर क्लॉक वाइज डिफ्लेक्शन निकालना है तो 360 माइनस 2 थीटा करेंगे, और अगर एंटी क्लॉक वाइज डिफ्लेक्शन निकालना है तो सीधे सीधी 2 थीटा कर देंगे। समझ में आ गया बात? इसका एक और केस है वो भी सिंपल है, उस पर भी चलते हैं ना। तो हम लोग बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा और सीखते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? ध्यान देना है बस दो ही कॉन्सेप्ट है इसमें, एक तो ये कि दोनों का दोनों डिफ्लेक्शन क्लॉक वाइज हो, दूसरा एक क्लॉक वाइज हो और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज हो, या फिर पहला एंटी क्लॉक वाइज हो और दूसरा क्लॉक वाइज हो, यही दो कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट आप सीख लिए, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मिटाता हूं इसको। इसको थोड़ा समय बनाता हूं, है ना, इजी वे में, और हम लोग सीखते हैं, ठीक है? ये है हमारा मिरर, ठीक है? चलो भाई मिरर बना दिए, यानी M1 है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब यहाँ पे कोई भी एक रे आया ना जी, और ये हमारा नॉर्मल है, ये एंगल हो गया I1। अब इसी पे ये चला गया ऐसे, ठीक है? और ये जो है हमारा मिरर है, दूसरा मिरर जो है हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, ब्लैक से बनाते हैं ना। ये हमारा दूसरा मिरर है, कौन सा? M2। अब बताओ इस पे नॉर्मल डालोगे कि नहीं डालोगे? तो अगर मैं बोलूं कि इस पे अगर नॉर्मल डालेगा तो यही नॉर्मल है ना, ये N2 नॉर्मल है, ये N1 नॉर्मल है, तो इस N2 के लिए ये इंसिडेंट रे है। तो अगर ये देखो ये I1 पे आया था तो I1 पे ही जाएगा, और इस पे जो ये आया तो ये जो हमारा I2 हो जाएगा, तो जाएगा किधर? इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, कितना पे जाएगा? I2 पे जाएगा ना। थोड़ा सा ये जो है ना फिगर छोटा हो गया है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है ना, क्योंकि छोटा में नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा अच्छे से, ठीक है? तो इसी फिगर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है? तो समझना ध्यान से कि अगर मैं तुमको बोलूँ तो तुमको कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा, वो क्या नज़र आ रहा होगा ये पहले समझना, ठीक है ना, कि या फिर इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ एक बड़ा सा फिगर, ठीक है ना, इसको रहने दो, ठीक है? थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, बड़ा ही बना देते हैं, दिखाई दे दे तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया मिरर 1, ये हो गया मिरर 2, ठीक है ना, क्लियर है? और ये है पहला नॉर्मल, और एक नॉर्मल यहाँ भी डाल दो इस पे, ये नॉर्मल 2 हो गया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले के लिए, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल भी I1 के बराबर। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे के लिए, तो ये हमारा रे आया ऐसे और ऐसे चला जाएगा, ये भी हमारा कितना I2 इसके लिए, दूसरे के लिए, है ना? चलो अब तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं छोटा लिखता हूँ, N2 यहाँ लिखता हूँ, अब इसको मैं देखता हूँ। तो बताओ मेरे को पहला तो ये रे आ रहा था, तो आने दो इसको, आया
और ये ऐसे आया और किधर चला गया, ऐसे चला गया ना, तो यानी यही डिफ्लेक्शन हुआ, यही हमारा डेल्टा वन है। कैसे है भाई, क्लॉक वाइज है कि नहीं है, क्लॉक वाइज देखो ना, ऐसे आया और ऐसे चला गया था ना, क्लॉक वाइज। डेल्टा टू, डेल्टा वन क्या है, क्लॉक वाइज। अच्छा दूसरा के लिए ए इंसिडेंट रे है, तो ये आया था इंसिडेंट, इधर आया था और इधर से आगे किधर चला गया, इधर चला गया ना, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये डेल्टा टू हो गया। लेकिन ये डिफ्लेक्शन यहाँ से इधर की तरफ है, तो ऐसे घूमा है, तो एंटी क्लॉक वाइज है। तो किसी, तो डेल्टा नेट कैसे लिखोगे, डेल्टा नेट अगर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे डेल्टा टू और माइनस डेल्टा वन, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज को लिए हैं क्या प्लस, क्लॉक वाइज को क्या लिए हैं माइनस। आप अगर चाहें तो क्लॉक वाइज को प्लस और एंटी क्लॉक वाइज को माइनस लीजिएगा, तो लिखेगा डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए डेल्टा टू लिखते हैं, डेल्टा टू के लिए क्या बताए थे, 180 माइनस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 2i2, फिर लिखते हैं माइनस 180 और माइनस 2i1, यानी इसका वैल्यू, तो 180 और माइनस 2i2 और माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस 2i2, ठीक है ना, तो कैंसिल, तो 2i2 माइनस 2i1, 2 कॉमन ले लीजिए, तो i1 माइनस i2, यही हो गया डेल्टा नेट। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर क्लॉकवाइज। कैसे भाई, तो यहाँ से चेक कर लेंगे, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज को माइनस माने हैं, तो अगर ये वैल्यू निकाले हम और आ गया माइनस, तो समझ जाएंगे कि जो डिफ्लेक्शन है टोटल वो क्लॉकवाइज में है, और अगर ये पॉजिटिव आया तो समझ जाएंगे कि जो डिफ्लेक्शन है टोटल वो एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, थीटा टर्म में लिखते हैं ना, ये एंगल कितना मान लेते हैं भाई, थीटा मान लेते हैं मिरर के बीच का एंगल, तो इसको कैसे करेंगे जो देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसको हम बताए थे ये ए और ये बी, अब देखो कितना सिंपल है ना, तो इन ट्राइंग, ये ओ है तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, बहुत आसान है। तो ये एंगल कितना है, यानी दो मिरर के बीच का एंगल कितना, थीटा ना, थीटा। अब देखो ये एंगल कौन सा, ये है ना, तो ये टोटल एंगल, तो ये बहुत आसान है, देख ये नॉर्मल दिख रहा है तुम लोगों को, ये नॉर्मल और ये मिरर कितना डिग्री है, 90 और ये i2, तो कितना का टोटल, 90 प्लस i2 ना, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल ये हो गया 90 प्लस i2। अब देखिए ये नॉर्मल है और ये मिरर है और ये i1 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस i1, ये तो क्लियर है, तो क्या लिखेगा थीटा प्लस ये वाला एंगल टोटल 90 प्लस i2 और प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस i1, और सब मिला के कितना होना चाहिए 180, तो 90 प्लस 90 180 और इधर 180 कैंसिल, इसको उधर भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस i1 उधर जाके प्लस i1 और प्लस i2 उधर जाके माइनस i2, तो माइनस i2, यही है ना, तो इसीलिए तो बोल सकता है डेल्टा नेट इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, है ना जी, क्यों, क्योंकि i1 माइनस i2 किसके बराबर है, थीटा के बराबर है ना, तो सीधे सीधे कितना आ गया 2 थीटा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, जब एक क्लॉक वाइज हो और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज हो, और यही एंगल हमें निकालना था और ये एंगल निकालना था, तो देखिए ये नॉर्मल है तो ये एंगल और ये एंगल, ये टोटल 90 डिग्री और प्लस i2, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस i2 और ये 90 माइनस i1 और ये थीटा, तीनों, ये सिंपल है, ठीक है ना, कुछ भी इसमें ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं, है ना, अगर आप सिंपल सिंपल थोड़ा सा सोचोगे तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये था डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय टू प्लेन मिरर, जो कि अगर देखा जाए, है ना, तो बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही मतलब एकदम इजी है, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी में और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो कि धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस पे ही कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर रोटेशन का ही मिरर का, अब आप किसके पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं रोटेशन ऑफ मिरर और फिर इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। तो मिरर को रोटेट करेंगे तब हमारा कैसे इमेज रोटेट होगा, और दूसरा कि अगर हम
दो प्लेन मिरर देंगे तब हम इमेज कैसे कैसे बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं और अच्छे ढंग से, ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत यूजफुल होगा और बहुत ईजी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना रहे बात। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और मस्ती करके पढ़िए, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।